क्लासेस मैं हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल माइंस में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गैस, है ना। उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसमें बहुत सारे गैस है जिसको हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल दो गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, दोनों एक है, राइट। तो दो अलग अलग गैस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कोल माइंस में ये गैस पाया जाता है, इसको कैसे देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जमीन के ऊपर कैसे आता है, और इसको हम टेस्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो इतना सब टॉपिक में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मेथेन, इसको हम फायर डैम भी बोलते हैं, राइट। मैं लिख लिख के थोड़ा सा बताते जाता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, फायर गैस भी बोलते हैं, इसको हम फायर गैस बोलते हैं, राइट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, गर्म गैस भी बोलते हैं, गर्म गैस भी बोलते हैं इसको, फायर डैम गर्म गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं इसको, मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम गर्म गैस क्यों बोलते हैं, याद रखिएगा, गर्म गैस क्यों बोलते हैं, ये खुद से गर्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ये किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आने से क्या होता है, तुरंत आग लग जाता है, चाहे वो चिंगारी हो, चाहे मशीन का ओवर हीटिंग हो, या कई प्रकार की ओवर क्या होता है, हीट के संपर्क में आने से क्या होता है, तुरंत आग लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब अंडरग्राउंड माइंस में काम चलते रहता है किसी मशीन से, तो वो अगर ओवर हीटिंग होता है तो वो हीट के संपर्क में आने से क्या होता है, पूरा आग लग जाता है। इसीलिए माइंस अंदर बहुत केयरफुली ध्यान रखा जाता है कि कोई भी मशीन का क्या है, हीट ओवर हीट ना हो, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओवर हीट बोलते हैं। ये क्या होता है, हवा से क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए क्या होता है, हवा के ऊपर तैरते रहता है, इसलिए इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर उठते रहता है, हवा से कम होता है। इस अपेक्षित घनत्व की बात किया जाए तो इसका क्या होता है, 0.55, और जबकि हम हवा का कितना माने हैं, एक माने हैं, तो हवा से कम ही है ना, इसलिए हवा के ऊपर में तैरते रहता है, राइट। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर इसका हीटिंग वैल्यू देखा जाए तो इसका हीटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये किसी भी हीट के प्रेजेंस में आता है, किसी हीट के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, जैसे हमारा 650 सेंटीग्रेड सेल्सियस में अगर यह गैस, याद रखिएगा, मार्स गैस 60 क्या हो जाएगा, 650 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कितना सेकेंड के लिए आ जाए, अगर 10 सेकेंड के लिए भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगा, वहाँ आग लग जाएगा। या अगर देखा जाए तो 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में केवल 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, ये 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। अगर ये 1000 में आता है तो केवल 1 सेकेंड में क्या होता है, इसमें आग लग जाएगा। ये क्या है, हमारा डिग्री सेल्सियस, अगर उतना टेम्परेचर के इसमें आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे आग लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी सब को क्या करना है, केयरफुली देखना है, इसको क्या करना है, मेंटेन करना है कि ये मीथेन गैस क्या है, उसके संपर्क में ना आ पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मैं क्या देखता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, राइट। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसी में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट होता क्या क्या चीज़ है, इसमें हम बताते हैं आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो ये स्वादहीन, गंधहीन, और क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, रंगहीन बोल सकता हूँ मैं इसको, रंगहीन, स्वादहीन, और हमारा क्या हो जाएगा, गंधहीन। ये तीनों प्रकार का क्या है, इसमें अब्सेंट रहता है, ठीक है। वायु से क्या रहता है, हल्का रहता है, याद रखिएगा, वायु से हल्का रहता है, वायु से क्या हो जाएगा, हल्का होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, इसका 0.55 होता है, जबकि हम किसको, वायु को कितना माने हैं, वायु को हम 1 माने हैं, याद रखिए। इसीलिए क्या होता है, वायु के ऊपर में तैरते रहता है, या छत में, छत के ऊपर आके क्या हो जाता है, रहता है, ठीक है, छत में आके, ठीक है, छत के ऊपर, छत में मिलता है या रहता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखा जाए तो इस गैस का, ठीक है, इस गैस का 5.41 से, ठीक है, 14.481 तक क्या होता है, अगर होता है तो क्या होता है, इसमें आग लग, ये गैस के प्रेजेंस
ठीक है, अगर किसी भी माइंस में इस गैस का प्रेजेंस का परसेंट 5.41 से लेकर 14.81 तक होता है तो क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, विस्फोट हो जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा विस्फोट परसेंटेज की बात किया जाए तो 9.50। ठीक है, ये 14.81 जाते जाते बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे हो क्या होता है, आग किससे लगता है, हवा के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब आप जा रहे हो और 14.81 हो गया तो हमारा ऑक्सीजन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो हमारा आग कैसे लगेगा, इसी चीज़ को क्या करना है। अगर ये 9.5 है तो हवा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, इसलिए ज़्यादा विस्फोट यहाँ होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब है लॉग ऑन इग्निशियन। ठीक है, लॉग ऑन इग्निशियन होता है, ठीक है, लॉग ऑन इग्निशियन क्या बोलते हैं, किसी वस्तु में आग लगने की समय को हम क्या बोलते हैं, लॉग ऑन इग्निशियन, किसी वस्तु में आग लगने की समय को। आग लगने की समय को हम क्या बोलते हैं, लॉग ऑन इग्निशियन। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन बताया है, इसको इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, इसको फायर गैस बोलते हैं, है ना, फायर डैम बोलते हैं, और इसको गर्म गैस बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। तो गर्म गैस क्यों बोलते हैं, याद रखिए ये खुद से गर्म नहीं होता है, बट किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आने से क्या होता है, तुरंत आग लग जाता है ना। इसका अगर देखा जाए 650 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में केवल 10 सेकेंड के संपर्क में आता है तो आग लग जाता है, या 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में केवल 1 सेकेंड के लिए आता है तो क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन तीनों इसमें अब्सेंट होता है। वायु से क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए वायु के ऊपर में क्या होता है, तैरते रहता है, राइट। अब ये क्या होता है, इसका गैस का मैं विस्फोटक पॉइंट देखा हूँ, तो किसी भी माइंस में अगर 5.41% से लेकर 14.81 है तो उसमें क्या हो जाएगा, विस्फोट होगा। बट अगर मैं हाईएस्ट परसेंटेज मैं विस्फोट का देखूँ तो 9.50 अगर रहा तो वहाँ विस्फोट होने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की परसेंट पर्याप्त रहेगा, राइट। अगर यहाँ मैं 14.81 देखता हूँ तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज है ही कितना, लगभग 21 से लेकर 22 तक, राइट। तो अगर इसमें 14 हो गया तो हमारा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इसमें विस्फोट होने की परसेंटेज कम हो जाएगा, बट 9.5 में हमारा विस्फोट ज़्यादा होता है, राइट। अब लॉग ऑन इग्निशन एक वर्ड होता है, लॉग ऑन इग्निशन किसी वस्तु में आग लगने के समय को हम क्या बोलते हैं, लॉग ऑन इग्निशन बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, अब ये हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये बनता कैसे है, फार्मेशन कैसे होता है। जब कोल का फार्मेशन हो रहा था, याद रखिएगा, जब कोल का फार्मेशन हो रहा था तो ये भी गैस बना, तो क्या हुआ, कहीं ऊपर में रहा वो उड़ के ऊपर चला गया, जो नीचे रहा वो दब गया, या फिर हमारा क्या है, चट्टानों में दब के रह गया। कोल माइंस का सीम को हम क्या करते हैं, खनन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा मार्स गैस या हमारा फायर डैम पाया जाता है। बल्कि देखा जाए तो हमारा मेटल माइंस में इतना फायर डैम नहीं पाया जाता है, कोल माइंस में ही फायर डैम ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कोल माइंस का एक मशहूर हमारा ये या फेमस गैस है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फायर डैम, गर्म गैस भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, ये जमीन के ऊपर कैसे आता है। तो हमारा जैसा देखिएगा अंडरग्राउंड माइंस होता है, एक मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये जमीन है, ये ऊपर है, ये जमीन के ऊपर है और ये जमीन के अंदर है, ठीक है। ये इस प्रकार से मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो यहाँ तक कि क्या होता है, हमारा नीचे कोयला है, इसको हम क्या करते हैं, एक बीम बना के, ठीक है, एक कॉलम बना बना के हम क्या करते हैं, इसको पूरा कोयले को निकाल लेते हैं। तो यहाँ इतना एक परत में क्या रहता है, हमारा मोटाई का रहता है, बट यहाँ पे हमारा मशीन चलते रहता है, इसलिए हमारा क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, दरार आ जाता है जमीन के ऊपर से। तो आप जब सूर्य निकलने से पहले देखिएगा या ठंड के मौसम में, तो यहाँ से एक गैस निकलते रहता है धुआं की तरह, तो आपको पूरा दिख जाएगा कि ये क्या है, जमीन से हमारा क्या है, गैस निकल रहा है। तो वही क्या है, हमारा मार्स गैस है या हमारा फायर डीम है, क्योंकि क्या होता है, ये गैस जो दरार है उसके माध्यम से क्या होता है, ऊपर चला जाता है, इसलिए हमको वहाँ से दिखता है। अब ये कहाँ कहाँ जैसे दिखेगा, तो ये हो जाता है छत में दिखेगा, छत के टुकड़ों में दिखेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड वर्किंग प्लेस में दिखेगा, या हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ, और तो ये कोल माइंस के जो हमारे आसपास है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है,
ठीक है, ये कैसे निकलता है इसके बारे में बता दिए, ये जमीन से कैसे कैसे निकलता है, तो ये हमारा पूरा कोल माइंस में बता दिया। कोल माइंस को यहाँ से पूरा हम क्या कर दिए, एक लेयर तक की इसको पूरा निकाल दिए हैं। तो जब निकालते हैं तो क्या होता है, कोई वाइब्रेट होता है तो इससे हमारा दरार आ जाता है। ठीक, दरार आने से क्या होता है, ये बाहर धुआं के रूप में निकलते रहता है। ठीक, या ओल्ड वर्किंग प्लेस में भी ये मिलता है। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये तो निकल गए, अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम कोल कटर, कोल को काटने के लिए कुछ तो यूज करते हैं मशीन, उसके हमारा क्या हो जाएगा, स्लॉट में पाया जाता है। ठीक है, कोई चट्टानों में रहता है, चट्टान जैसे कोल बना तो चट्टान हो गया, कोल सीम में पाया जाता है, और हमारा क्या हो जाएगा, छत के पास पाया जाएगा, ओल्ड क्या हो जाएगा, ओल्ड वर्किंग प्लेस में भी ये पाया जाता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो देखो पुराने जमाने में क्या होता है, हमारे पास एक लेम्प होता था। ठीक है, लेम्प के सहारे हम जाके क्या करते थे, टेस्ट करते थे कि यहाँ पे कितना हमारा मार्स गैस है या हमारा फायर डैम है। तो क्या होता था, फायर डैम हम गए तो अगर बुझा तो ठीक है, नहीं बुझा तो हमारा क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब वहाँ पे कोई फायर डैम नहीं है, इस प्रकार से हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा, एक मैथनोमीटर आता है। ठीक, हमारा सबसे पहला एक सेफ्टी लैम्प जो कि पुराने जमाने में बहुत यूज किया जाता है, एक सेफ्टी लैम्प हो जाएगा, दूसरा हमारा मेथेनोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्टी लैम्प हो जाएगा, मेथेनोमीटर हो जाएगा, एलएमडी हो जाएगा, एएफडी हो जाएगा। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, इस गैस का पता लगा लेते हैं। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीथेन के बारे में हो जाएगा। मीथेन के बारे में हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा, इसको हम ब्लैक डैम बोलते हैं, ब्लैक डैम या ठंडा गैस। ठीक है, ठंडा गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेजेंस है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो क्या करता है, नाइट ये ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का इसका नेचर क्या है, ठंडक। टॉपिक क्या हो जाएगा, कोल्ड गैस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ब्लैक डैम या ठंडी गैस या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन का बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यह कोल माइंस में पाए जाने वाला एक ठंडा गैस है। ठीक है, या आग बुझाऊ गैस है। जब कहीं आग लग रहा है तो हम हमारे उसमें माइंस के अंदर क्या है, बहुत सारे पंखे लगे रहते हैं। अगर ये माइंस के अंदर है तो उसका पंखे का हम क्या कर देते हैं, जिधर आग लगा है उधर मोड़ देते हैं, तो ये हवा के जरिए उधर ही चला जाएगा और बुझ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या काम करता है, आग बुझाने का काम करता है। कहीं कहीं भी आप देखोगे पेट्रोल पंप में लगा रहता है छोटा सा गैस, उसमें क्या रहत भरा हुआ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया जाता है, आग बुझाने का कार्य किया जाता है। राइट, तो इसको इंट्रोडक्शन बताते हैं, तो इसलिए क्या होता है बुझाने, ये इसे बुझाऊ गैस कहते हैं। ठीक है, मैं बताया क्या होता है, ये एक बुझाऊ गैस है, यह खान में पाए जाने वाला बुझाऊ गैस है। अगर आग लगा है तो उस तरफ हम क्या कर देते हैं, जिधर आग लगा है उस गैस को हम उस पंखे के द्वारा क्या करते हैं, भेजते हैं, तो क्या होता है, आग बुझ जाता है। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं एक्स्ट्रा नाइट्रोजन क्या होता है, का मिक्सर होता है। ये जो हमारा ब्लैक डैम है, याद रखिएगा ब्लैक डैम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन का क्या है, मिश्रण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज का बात करता हूँ, 12 से 13% होता है, जबकि नाइट्रोजन का 80 से 87% होता है। राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता हूँ, तो इसमें रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, लेकिन स्वाद हमारा तेजाब जैसा खट्टा होता है। याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, रंगहीन गंधहीन, बस स्वाद क्या होता है, तेजाब जैसा हल्का खट्टा होता है, इसको आपको याद रखना है। पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसका रंग क्या होता है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। और इसका देखा जाए, अगर हमारा ब्लैक डैम कहीं पे 20% है तो हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा, ये हमारा क्या है, एक इसका निशानी है। अगर हमारा ब्लैक डैम का 20% हुआ तो हमारा उसमें सेफ्टी लैम्प क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब ये बनता कैसे है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, ये बनता कैसा है, तो क्या हो जाएगा, कोल लकड़ी है ना, कोल लकड़ी व अन्य कार्बन युक्त पदार्थों में क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ये बनता है, क्या चीज, ब्लैक डैम या ठंडी गैस, इसी को क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिक्सर बोलते हैं। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इस लकड़ी, कोल वह कार्बन युक्त अन्य पदार्थों के मिश्रण से क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, बनता है। अब ये जमीन के ऊपर कैसे आता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब ये जमीन के ऊपर कैसे आता है, तो हम अगर कोल माइंस में क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्टिंग के जरिए क्या होता है, ये ऊपर आता है। राइट, ये एक पॉइंट हो गया, इसको आप याद रखिएगा, ऊपर कैसे आता है, तो ब्लास्टिंग करते हैं, इसलिए क्या होता है, वो ऊपर आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, हमारा कोल्ड गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बता
रहे हैं, तो ये क्या होता है, जहाँ वेंटिलेशन खराब हो वहाँ पाया जाता है, राइट। ओल्ड वर्किंग प्लेस में पाया जाता है, ग्रॉप के किनारे पाया जाता है, डीप गैलरी में पाया जाता है, पुराने समय पुराने शाफ्ट जहाँ पानी बहुत समय से रुका हो वहाँ पाया जाता है। उसके बाद इसका इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं अगर हमारा ब्लैक डैम 5% उसमें होता है तो हमारा जो सेफ्टी लैंप रहता है उसका 30% हमारा पास रहता है, प्रकाश कम हो जाता है, राइट। इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे गांव में क्या होता था पहले बचपन में, बिजली कम या ज़्यादा होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि हमारा अभी वोल्टेज कम है, फिर वोल्टेज बढ़ गया तो लाइट के प्रकाश से हमको पता चल जाता था कि लाइट अभी कम है, फिर जब लाइट का रोशनी बढ़ जाता था तो उससे पता चलता कि वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया है। उसी प्रकार हमारा ब्लैक डैम अगर 5% रहा तो सेफ्टी लैंप जो 100% जल रहा है उसमें 30% कम हो जाएगा, ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप कभी भी अगर अंडरग्राउंड माइंस में विजिट करिएगा तो ये जरूर देखिएगा, राइट। ये हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस गैस का सैंपल लेते हैं, ठीक है। गैस का सैंपल लेके क्या करते हैं, लेब में लाते हैं, फिर उसका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड गैस हो जाएगा, कोल्ड गैस या बुझाऊ गैस, ठीक। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक रिपीट रिविजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन का बात करता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुझाऊ गैस बोलते हैं, यह माइंस में पाए जाने वाला एक बुझाऊ गैस है। अगर कहीं भी माइंस में आग लगा अंडरग्राउंड में ना, तो उसको हम क्या करते हैं, हवा के जरिए उसको मोड़ के क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। अगर आप कहीं भी पेट्रोल पंप में देखे होंगे, जो सिलेंडर रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे कोई बोलते हैं कि रेत रेत बोरी में रखा जाता है, बट जो गैस रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, राइट। होता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के एक्स्ट्रा मिक्सचर से बना होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज का बात करता हूँ तो 12 से 13% रहता है, जबकि मैं नाइट्रोजन का बात करूँ तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 80 से 87% तक के इसमें क्या होता है, मिश्रण रहता है। इसको हम ब्लैक डैम या ठंडी गैस या आग या बुझाऊ गैस भी बोलते हैं, राइट। हो गया, अब इसका इंपॉर्टेंट बाइंड का मैं बात करता हूँ, तो ये गंधहीन होता है, गंधहीन स्वादहीन, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्वाद सॉरी खट्टा रहता है। अब ये वायु से, याद रखिएगा, वायु से भारी होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करिएगा कि ये क्या होता है, नोट, वायु से क्या होता है, भारी होता है। भारी कहने का मतलब 1.5 इसका रहता है, अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.5 होता है, जबकि वायु का कितना होता है, इसलिए क्या होता है, जमीन के नीचे या वायु के नीचे तैरते रहता है। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक हमारा क्या है, छूट गया था, वायु से भारी होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 1.5 होता है, जबकि वायु का हम कितना माने थे, 1, राइट। हो गया, अब ये करीब 20% हमारा ब्लैक डैम रहा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेफ्टी लैंप बुझ जाता है। अगर 5% रहा तो 30% कम हो जाता है, अगर ये 20% रहा तो पूरा सेफ्टी लैंप बुझ जाता है, ठीक। अब इसका फार्मेशन कैसे होता है, कि फार्मेशन आप देखे हैं कि कहाँ कैसे बनता है, तो हमारा कोल, लकड़ी या अन्य कार्बन से रिलेटेड पदार्थ, ठीक है, उसके स्लो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इसका फार्मेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर ये जमीन के ऊपर कैसे आता है, जमीन के ऊपर देखा जाए तो ये ब्लास्टिंग के जरिए आता है, या जब हम क्या करते हैं, सिम को कटवाते हैं तो उस जो कटर के हमारा क्या आता है, स्पॉट में जो रहता है उसके जरिए भी क्या होता है, ये बाहर आता है, राइट। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ओल्ड वर्किंग प्लेस में पाया जाएगा, ठीक है, और जहाँ वेंटिलेशन खराब हो जाएगा वहाँ पाया जाएगा, ग्लोब में पाया जाएगा, डीप गैलरी में पाया जाएगा, पुराने शॉप जहाँ में बहुत समय से जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ भी क्या हो जाएगा, पाया जाएगा। अब इसका टेस्ट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो सेफ्टी लैंप। इसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप में अगर क्या होता है, देखा जाए अगर ब्लैक डैम का परसेंटेज 5 है तो हमारा सेफ्टी लैंप सीधा सीधा 30% कम हो जाएगा, अगर 14 वो क्या हो जाएगा, 20% रहेगा तो पूरा सेफ्टी लैंप बुझ जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा हमारा जलने लगा तो जान लीजिएगा उसमें 5% से या 20% से कम ही है। और दूसरा क्या करते हैं, उस गैस का हम सिंपल लाते हैं, सिंपल कैसे लाते हैं, तो एक गुब्बारा जैसा रहता है, ठीक है, उसमें भर के सिंपल लाते हैं जिसको लैब में टेस्ट करते हैं। तो आज हमने दो टाइप में क्या पढ़ा दिया आपको, दो गैस के बारे में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, मीथेन, दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण, पहला को हम फायर बोलते हैं, दूसरा को ठंडा बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, खूनी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके बारे में और 7 अलग अलग गैसों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।